धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इस जगत में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। यहां मानव की महाकथा इस विश्व से जुड़ी है। दीप की रोशनी से भूत डरते हैं। ये दीप और ये चक्र केरल राज के भूतों को खत्म कर देता है। केरल में दुनिया के अधिपति आत्माओं, प्रेत आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को जानकर महान लोग पूजा करके उन्हें खत्म करते हैं, ऐसा इतिहास है। इन बुरी शक्तियों का हमारी दुनिया में आना मामूली बात है। वो हमारी दुनिया में रहकर हमारे जीवन के अंदर घुसना चाहती हैं। वो आत्माएं पवित्र शरीर को ढूंढती रहती हैं। इन दुष्ट शक्तियों का आना आज का नहीं, कई सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये दुष्ट शक्तियां मानव जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी से भी टकरा जाती हैं, यहां तक कि वो भगवान से भी नहीं डरती हैं। इसका ये साक्षात उदाहरण है। मंजुल, रेडी हो ना? या श्वेता, तुम एक बार और सोच लो, हमारा इस बंगले में जाना जरूरी है क्या? ए, ऐसी फालतू बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पैरा साइकोलॉजी स्टूडेंट होकर भी तुम इन सब बातों से डरती हो? चलो चुपचाप चलो अंदर। हमें ये प्रोजेक्ट करना ही है, इसलिए हमें बिना डरे चलना ही पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, आराम से चलो ना। यहाँ कोई है क्या? मंजुल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। यहाँ कुछ तो जरूर है। मंजुल, तुम कैमरा ऑन करो। श्वेता, हाँ? इस जगह पर तो जरूर मिलेगा, यहीं कहीं है तुम्हारा भूत। तुम तो चुप ही रहो, पहले ही सब लोग डरे हुए हैं, तुम और क्यों डरा रहे हो? हे, ध्यान से चलो। मंजू, यहाँ से सिग्नल मिल रहा है। ए, श्वेता, यहाँ पर तो खून ही खून है। मंजू, संभल कर। किसी ने तुम्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। तुम ना हर किसी की बात पे भरोसा मत किया करो। हे, तुम चुपचाप चलो बस।
लोग चलो। यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं मिलने वाला है, इसीलिए मैं तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। तू, जरा सी भी सीरियसनेस नहीं है, हमेशा मजाक करते रहते हो। तुम लोगों को लेकर ही नहीं आना चाहिए था। रूपा, रूपा, तुम्हारे साथ ही तो थी, कहाँ चली गई? रूपा, 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 कहाँ हो रूपा? रूपा, रूपा ही तो है। ये आवाज तो रूपा की है। रूपा, क्या हो गया रूपा? सुनो यार, किसी ने मुझे टच किया, ऐसा लगा। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने वहां लिए हुए सारे वीडियो देखे हैं। एनी क्वेश्चंस? एक्चुअली भूत क्या है? वो सच में होते हैं क्या? और होते हैं तो कहां होते हैं? दरअसल भूत क्या है, इस सवाल का जवाब कौन सवाल कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। अगर आप नास्तिक हैं और ये सवाल करते हैं तो ये भूत प्रेत एक मन का भ्रम है, अंधविश्वास है, वो नहीं है, यही कहेंगे। पर अगर आप आस्तिक हैं और ये सवाल करते हैं तो भूत प्रेत जरूर है, यही कहेंगे। समझ गए ना? अगर आप लोग पॉजिटिव एनर्जी से भूतों के बारे में सोचेंगे तो ठीक, और अगर भूत के बारे में नेगेटिव एनर्जी रखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होकर सोचें तो सच में ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, और आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने देखा नहीं तो नहीं मानता। उन आत्माओं को कैसे देख सकते हैं? कुछ हमें सामने या अंधेरे में दिख सकते हैं और कुछ कार्य से भूत होते हैं। दरअसल हमें ढूंढना पड़ता है, ये साबित करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का कोई पर्टिकुलर एक जैसा कोई भी रूप नहीं होता है। चेक दिस। कैमरा से कैप्चर किए हुए कुछ आत्माओं के विजुअल्स आपने देखे हैं। अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग विजुअल्स आप लोग देख सकेंगे। ओह, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आत्माओं के बारे में और बात करेंगे। बाय। श्वेता? यस सर। तुम्हारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। या बाय बाय। हे श्वेता, कंग्रेट्स यार, हमारा प्रोजेक्ट सबको पसंद आया। तुझे भी। इस बार देखना, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए फुल मार्क्स मिलेंगे। तुमने बहुत अच्छा डिजाइन किया प्रोजेक्ट। हे, मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया, ये तो हमारी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। ये क्या है यार, कैसे भी बंद करना चाहूं बंद नहीं हो रहा है। अरे यहां तो सब चले गए। ये कौन है? सब लोग चले गए, अकेले क्यों बैठा है ये यहां? बोर्ड इस तरफ है लेकिन वो उस तरफ मुंह करके बैठा है, ये है कौन? हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, कौन हो भाई? सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। भाई हो कौन तुम? देख के नहीं पता चल रहा क्या? दिख रहा है, शक्ल से तो लड़के ही लग रहे हो, समझ में आता है इतना मुझे। पता चल गया ना? लड़का ही हूँ, तुम्हें कोई शक है क्या? ए, 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 आगे क्यों आ रहे हो? तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी चाल देख के लगता है कि जैसे रेप करने आ रहे हो।
मैंने अपना आज का राशिफल पढ़ा था, कोई ना कोई मुसीबत में फंसूंगा ऐसा लिखा था। अभी तक तो कोई मुसीबत नहीं आई, पर इसकी नजरों से लग रहा है जल्दी मुसीबत आने वाली है। रुको, मैं भी लड़का ही हूँ यार, प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ क्यों नहीं दिखा सकते हो? प्रूफ? अबे ऐसे नहीं दिखा सकता, तुम क्या ट्रैफिक हवलदार की तरह पीयूसी पूछोगे? अब मैं प्रूफ नहीं दे सकता। लेकिन तुम चुप, कोई सवाल नहीं, तुम सवाल नहीं, सवाल मैं पूछूंगा। कौन हो तुम? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी कॉलेज के हो क्या? हम यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं क्या? ए, कैसी बात कर रहे हो? अब हम लोग यहाँ बैठकर क्यों बात करेंगे? मैं बोल रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से, जाओ। गेट आउट। चोर। चल। अरे अरे, मेंटल केस यहाँ कहाँ से आ गया? ये कौन है जो किस दे रहा है? अरे यार, आज तो मैं बाल बाल बच गया, भविष्यवाणी की बात गलत हो गई। अब क्या हो गया? मेरा बैग नीचे गिर गया, रुको लेकर आती हूँ। कैमरे का बैग तो नहीं गिरा दिया? अरे नहीं नहीं, चलो जल्दी चलो। दीदी, श्वेता, मैं किचन में हूँ। श्वेता, अपनी जीजा जी के साथ आई हो? नहीं दीदी, मेरा एक फ्रेंड है, उसी ने ड्रॉप किया। दीदी सर बहुत दुख रहा है, कॉफी मिलेगी क्या? ठीक है, तुम्हें डोसा पसंद है इसलिए डोसा बनाया था, चल खा ले। कितना टाइम लगाओगी? मिस इंडिया कंपटीशन के लिए तैयार हो रही हो क्या? जल्दी आओ। आ रही हूँ यार, तुम क्यों सड़ियल पतियों की तरह गुस्सा हो रहे हो? ए प्रवीण। हाँ? क्या कर रहे हो यार, इतनी देर लगाओगे तो कैसे चलेगा यार? श्वेता ओके है ना? हीरोइन की तरह लग रही हो, बस करो। प्रवीण, मंजुल, रेडी ना? रेडी। दरअसल ये भूत, ये आत्मा और ये प्रेत आत्मा है क्या? समझ गया। एक एग्जांपल तो तुम ही हो। ये सब रहते कहाँ? यही तो है हमारे सामने। उस पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? अब तक हमने साधारण से भूत के बारे में सुना और देखा, वो सच है क्या? माँ की कसम सच है बहन जी। तुम क्यों हिल रहे हो यार, यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या? तुम बोलो रूपा, वेरी नाइस एक्टिंग। मैं शुरू से करूँ क्या? नहीं यार नहीं, तुम यहाँ से आगे बढ़ो। ओके रेडी एक्शन। ये भूत प्रेत आत्मा वगैरह सब सच होते हैं क्या, या सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? यही साबित करने के लिए पैरासाइकोलॉजी स्टूडेंट्स भूत बंगला जा रहे हैं। जाओ, लेकिन जो अंदर जाएगा उसका वापस आना पक्का नहीं है। इसके अलावा और भी है क्या श्वेता? अरे बस करो महारानी। सुनो प्रवीण, ध्यान से चारों तरफ देखो, तुम्हारे दादाजी यहीं घूमते मिलेंगे। ए, चुप रहो मंजुल, फालतू में मत डराओ। ये क्या है? ए श्वेता,
बहुत ही भयंकर है यार। वाव यार प्रवीण, तुम्हारे दादाजी का क्या बंगला है यार, कमाल है बॉस। राजमहल में पता नहीं क्या क्या होता होगा, यहाँ पता नहीं कितने राज छुपे हैं। आपको आने में देर कैसे हो? ऑफिस में बहुत काम था इसलिए लेट हो गया। श्वेता आ गई है क्या? आ गई है, ऑलरेडी रूम में सो रही है। मैडम आपको ये बंगला पसंद आया ना? बहुत अच्छा लग रहा है, पर इतने बड़े बंगले में टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुनो, हमें इस राजमहल जैसे बंगले की क्या जरूरत है? देखो, राजमहल में रहने का सौभाग्य मिला है, अब हमारी जिंदगी भी राजाओं की तरह होगी। ठीक है ठीक है। हाँ। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं okay. खाना लगाती हूँ। श्वेता ने खाना खा लिया? उसने आते ही नाश्ता कर लिया था, अब नहीं खाएगी। तुमने खाया? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो तुम भी बैठ जाओ, साथ ही खाना खाते हैं। मैं तुम्हारी
दीदी हुँ? क्या है श्वेता, कोई घर पर आया है क्या? इस वक्त घर पे कौन आएगा? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा? श्वेता हा? रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाओ। ठीक है दीदी। दीदी क्या है, बोलना। जीजा जी आ गए क्या? तुम्हारे जीजा जी खा के सो गए हैं, तुम भी ज्यादा सोचो मत, जाके सो जाओ। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। तैयार होने में, तुम्हारे जीजा जी आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी जीजू। दैट्स ओके श्वेता, कैसी चल रही है तुम्हारी स्टडी? बहुत अच्छी चल रही है जीजू। तुमने कोई प्रोजेक्ट किया था ना, कैसा रहा वो? कमाल का एक्सपीरियंस रहा जीजू, हमारे प्रोफेसर को तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, हमें उस प्रोजेक्ट के लिए हाईएस्ट पॉइंट्स मिलेंगे, मेरे फ्रेंड बोल रहे थे। ये क्या स्टडी है पता नहीं, भूत प्रेत के बारे में रिसर्च कर रही है, ये कैसी पढ़ाई है, मेरी समझ से तो बाहर है। खा लो। अरे उसे जो पसंद है उसे वही पढ़ने क्यों नहीं देती? आप भी ना हमेशा इसी की तरफदारी करते रहते हो, इसीलिए ये अपनी मनमानी करती है। छी, कॉलेज का प्यून बन के परेशान हो गया हूँ, सुबह सबसे पहले मुझे यहाँ आना पड़ता और शाम को सबके जाने तक रुको, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, सब काम मुझे अकेले को ही करना पड़ता है। तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बोलो ना। ये कौन बोला बीच में? ये यहाँ कैसे आ गया? अरे हे भगवान बचा लिया मुझे। स्वामी
किसने आवाज दी मुझे? कोई भी नहीं है यहाँ तो। इस लड़की को ना जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। सारे कपड़े यहाँ फैले हुए हैं। आने दो इसे। ए श्वेता, हाँ? वो कॉक देना। इधर लो, मैं खेलता हूँ। तुम तो हमें खेलने ही नहीं देते हो। ये लो। जाना। ए श्वेता, हाँ? तुम क्या कर रही हो? क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं। तो फिर तुम इतनी डल क्यों लग रही हो, बताओ ना। जो प्रोफेसर ने क्लास में बताया था उसी के बारे में सोच रही थी बस। क्यों, क्या हुआ? आज जो क्लास में बताया गया और जो मेरे साथ मेरे घर में हो रहा है, इनका आपस में कोई संबंध है। ऐसा लगता है मेरे घर में कोई है। अजीब सी आवाजें आती हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सिर्फ यही बात है, हमारे घर में हर रोज ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। उस पे यकीन मत करो, आज भूत दिखेगा क्या? दरअसल तुम अभी भी उस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकल पाई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं यार। ओके, तो ठीक है, चलो हम चलते हैं। मंजुल, हम लेट हो रहे हैं। हाँ, चलो यार। मैंने सुना रात में तुम किसी को कहानी सुना रही थी। अरे वाह, तुम्हें कब से कहानियाँ सुनने का शौक चढ़ गया? तुम सिर्फ लड़कियों को कहानी सुनाओगी क्या? हमें भी सुना दो यार। मेरे घर में कुछ अजीब सा। हे, बाइक क्यों रुक गई? मेरी बाइक पता नहीं क्यों धोखा दे रही है। मैं देखता हूँ इसे, तुम उतरो। क्या यार, तुम भी साथ नहीं दे रही हो? मेरे पिताजी भी मुझे पैसे नहीं देते नई बाइक के लिए। गली तो सर्विस करवाया था, पेट्रोल टैंक भी फुल करवाया, फिर क्या हो गया इसे? श्वेता, वहां क्या कर रही हो? चलना नहीं है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, आ रही हूँ। कहीं भी जाके बैठ जाती हो क्या? बकवास है, चलो यार। इतनी देर तक कोई सोता है क्या? टाइम देखो कितना हो गया है, चल जल्दी उठकर तैयार हो जा। दीदी, तुम कल रात को मेरे कमरे में आई थी क्या? तुम्हारे रूम में? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है ठीक है, जल्दी तैयार होकर आ जा। सुनिए, कॉफी पी लीजिए। श्वेता रेडी हो गई क्या?
तैयार हो रही है, पता नहीं कैसे लेट हो गई, अभी आ जाएगी। नाश्ता तो करके जाओ। कॉलेज में कर लूंगी दीदी। कैसी लड़की है ये, पता नहीं कब समझदार होगी। थैंक यू जीजू। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम, कैसे लड़के हो तुम? ये अंदर कैसे आ गया? तुम अंदर कैसे आ गए? मैं कैसे भी आ सकता हूँ। ये अंदर कैसे आया? कल जाते वक्त मैंने सब दरवाजे अच्छे से बंद किए थे, खिड़की से अंदर आ गया होगा। पर खिड़कियां भी तो बंद है। तुम अंदर कैसे आए? मुझे खिड़की विड़की से कोई मतलब नहीं, दरवाजा बंद हो या खुला हो, जब मुझे आना है मैं आ ही जाऊंगा। अरे ये कैसी अजीब बात कर रहा है। सुनो, तुम क्या फालतू की बातें करते रहते हो? अरे यार तुम बेकार में टेंशन मत दो, तुम बार बार अंदर आके मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो? मुझसे ना मेरे पिताजी भी प्यार नहीं करते, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पिताजी के पसंद की चीज तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन हाँ मेरी पसंद की चीज तुम्हारे पास है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम तो एकदम सलमान खान की तरह हो। सलमान खान की तरह? सलमान खान, तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हो जाऊंगा? मेरे दोस्त क्या कहते हैं पता है? वो लोग कहते हैं स्लिम और ट्रिम होने की वजह से मैं शाहरुख खान लगता हूँ, शाहरुख खान की तरह। शाहरुख खान हो या सलमान खान, बाइक कितनी भी अच्छी हो, रोड पे वो कैसी चलती है ये जरूरी होता है। सुनो, तुम फालतू की बातें करना बंद करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ कोई दोस्त नहीं आना चाहेगा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम सिर्फ उसका जवाब दो। तुम अकेले क्लास आते हो, अकेले चले जाते हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होता, क्या बात है? मेरी किसी से पटती नहीं है। तुम्हारी किसी से पटती नहीं है? सच सच बताओ तुम कौन हो? अरे ये कहाँ गया? कहाँ चले गए? भाई अरे आ जाओ। अरे कहाँ चले गए? मैं भूत हूँ, तुम्हारा अपहरण करने आया हूँ। भूत हो? अरे हेलो, कहाँ हो भाई? अरे वो भूत है तो क्या हुआ, आने दो, उसे रोज आके परेशान करता है। अरे किसने मेरे पास भेजा है उसे? अरे छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरा घर कहाँ चला गया? यही रोड पर तो था, मैं कंफ्यूज हो गया है यार, मुझे कहाँ जाना है। अरे कहाँ चला गया मेरा? हेलो, स्टॉप 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 स्टॉप, आई से प्लीज मेरे घर तक छोड़ दो कि मुझे। बैठ जाओ। थैंक यू दोस्त, यहीं खड़े रहो, हिलना नहीं, डोंट मूव। ओके मैं बैठ गया। जय बजरंगबली, लेट्स मूव। ए गुरु, गाड़ी में बॉडी नहीं है। हेलो। अरे बॉडी मिल गई यार। जय बजरंगबली, लेट्स मूव। ओके आराम से भाई। अरे अभी तो रास्ता मिला है, चलो चलते रहो, सीधा चलो। बस यहाँ था। आ गया। क्या आ गया? घर आ गया। क्या थैंक यू, आ गया। घर कहाँ है भाई? इस तरफ।
अरे ए, ये कहाँ ले आओ भाई, ये मेरा घर नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है वो जगह यही है। मुझे इसी जगह पर आना था क्या? अरे यार तुम्हें कैसे बताया? अरे तुम तो वही हो। अरे यार क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे जाता कहाँ है? अरे छोड़ दो। अरे नहीं, अरे छोड़ दो मुझे। चलो में किसने रखा? असत्य है, ये असत्य है। श्वेता श्वेता श्वेता, मैं अकेली हूं, मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारे शरीर में रहना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। आजा, आजा।
स्वाति क्या कर रही हो? मुझे देर हो रही है। एक मिनट में आ रही हूँ। श्वेता अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? देखती हूँ। छोटी बच्ची की तरह बॉक्स के पीछे पड़ गई हो? चलो नाश्ता कर लो, देर हो रही है। दीदी मुझे आज कॉलेज से लौटने में देर हो जाएगी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। तुम शाम का शो देखने जाओगी तो तुम्हें आने में देर हो जाएगी, आफ्टरनून का शो देख लो। दीदी दोपहर को क्लास है इसलिए शाम को जा रही हूँ, और अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ, फ्रेंड्स होंगे ना मेरे साथ। दीदी जाने दो यार, फ्रेंड्स के साथ जा रही है, अब ये बच्ची थोड़ी ना है। छोटी बच्ची नहीं है इसीलिए बोल रही हूँ, इस उम्र में लड़की को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये लीजिए कॉफी। स्वाति आजकल कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर घूमना कॉमन बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसे लाइफ एंजॉय करने दो। इस घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता, ठीक है जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। थैंक यू जीजू। ये क्या है? इसे मत छूना। क्या है इसके अंदर? क्या है ये? मैंने कहा ना इसे मत छुओ। श्वेता, स्वाति, ए, क्या कर रही हो तुम? तुमने इसे धक्का क्यों दिया? मैंने क्या किया जीजू? ए, दीदी, मुझे कुछ हो गया था दीदी। I'm very sorry दीदी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं श्वेता, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ऐसी बातें मत बोलो। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। दीदी तुमने मूवी जाने से मना किया था ना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी, लेकिन तुम मुझसे नाराज मत होना दीदी। ऐसी बातें मत कर पगली, तुम तो मेरी बहन है, एक तू ही तो मुझे अच्छी तरह समझती है। श्वेता तू मेरी जिंदगी है पगली। स्वाति आई एम सॉरी जीजू। आखिर इसे हुआ क्या था? यार श्वेता, हमारे कॉलेज में भूत प्रेत आत्मा ये सब नहीं है, ये सारी बातें झूठ हैं। अपने प्रोजेक्ट में तुमने साबित किया था, उसके बाद भी तुम्हारे फेस पे ये डर क्यों है? I just can't believe this. नहीं रूपा, मेरे अंदर क्या चल रहा है तुझे समझ में नहीं आएगा। मुझे उस घर में पता नहीं कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा है, उस घर में मुझे डर लगता है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ। ठीक है यार, वहाँ क्या हुआ था सब बता, मैं सुनने को तैयार हूँ। मुझे क्या हो रहा है मेरी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, किस वक्त मैं क्या बोल जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। जब मैं अकेली होती हूँ तो ऐसा लगता है कोई अजनबी मेरे साथ है। सबके साथ होते हुए भी अकेलापन सा महसूस होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। श्वेता ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुम अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में आई हो इसलिए शायद ऐसा लग रहा है। दरअसल बात यह है तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत टेंशन ले रही हो इसलिए ये सब हो रहा है। कोई भी बात को आराम से सोचो और फालतू की सोच दिमाग से निकाल दो। वो बात नहीं है रूपा, नया घर तो ठीक है पर ऐसा लगता है कि वहां पर मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। रूपा मुझे क्या हो गया है यार? अरे मेरी माँ तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, चलो मूवी के लिए देर हो रही है, आजा। ए तुम लोग भी चलोगे या यहीं पे टाइम पास करते रहोगे? आ रहे हैं यार हम लोग। रूपा ये क्या मुझे फोन कर रही? कोई नहीं। हेलो रूपा। सुनो प्रवीण तुम जल्दी से कॉलेज आ जाओ प्लीज, जल्दी आओ। हेलो रूपा। हेलो तीनों कहाँ चली गई कुछ समझ नहीं आ रहा। ए मंजुल रूपा का फोन था, कॉलेज में बुला रही है, चलना यार। ए मैं नहीं आऊंगा, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम चले जाओ यार।
ये क्या, हमारे शटल कोर्ट में भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। श्वेता, क्यों इतनी जल्दी यहाँ आने को कहा? रूपा को कुछ हो गया है, चलो। क्या हो गया उसे? चलो 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 प्रवीण। कहाँ जाना? आ जाओ, आओ ना ऊपर ऊपर आओ। ये आवाज कैसी? मुझे नहीं पता। आओ प्रवीण, आओ आओ प्रवीण, आओ। श्वेता, रूपा कहाँ है? वहाँ है। उसे क्या हो गया? बोलो। मुझे कुछ नहीं पता। रूपा, रूपा, रूपा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ो। स्टूपिड। सुन, 100 रुपए की टिकट खरीद के थिएटर में सोना जरूरी है क्या? मंजुल, क्या है? तुझे पता है क्या हुआ? क्या हो गया? श्वेता और रूपा मुझे मोहिनी की तरह लग रही थी यार। वो मोहिनी तो मैं यमराज जग रहा हूँ क्या? चल पिक्चर खत्म हो गई है, मोहिनी लग रही है इसे। श्वेता, उस पागल प्रवीण को रूपा मोहिनी की तरह लग रही थी यार। तो क्या करें? वो बात नहीं है, तुम भी उसे मोहिनी की तरह ही लग रही थी यार। क्या हुआ श्वेता, तुम क्यों शांत हो गई? ये शमशान मौन रुद्र भयानक जगह देखकर डर लग रहा है क्या? यहाँ की आवाज बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की बुरी शक्तियां मन को भा रही हैं। इस सुनसान जगह पर अगर चिल्लाने की आवाज सुनाई दे तो ये दुनिया में किसी को भी डरा सकती है। क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो क्या? पता नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा जी। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? वो श्वेता। श्वेता को क्या हो गया? श्वेता को कुछ नहीं हुआ, पर हर रोज उसके अंदर बदलाव आ रहा है। वो रूम में बैठकर बॉक्स को घूरती रहती है। आजकल कुछ अजीब सी लगने लगी है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम फालतू में क्यों चिंता कर रही हो? इतना टेंशन लोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे ये सब होता रहता है, इसमें इतनी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। आप समझ नहीं रहे हो, कुछ तो है जो मेरी समझ से बाहर है। स्वाति, लगता है तुम बहुत थक गई हो, एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो।
हुआ, क्यों उठा रही हो? कोई आवाज आ रही है। ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा, ये आवाज हॉल से आ रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ। सुनिए ध्यान से। क्यों कर रही हो? क्या बात है? ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही रखती हूँ। फ्रेंड? कैसी बात कर रही हो? वो कहाँ है? वो ना इसके अंदर छुपा है, किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। अच्छा, कोई बात नहीं, हम नहीं छीनेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस, आओ आराम से आ जाओ। ठीक है। श्वेता, श्वेता, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों इस बॉक्स से खेलती रहती है? क्या हो गया तुझे? श्वेता, श्वेता ठीक हो जा। उसे नींद आ रही है, अब हम जा रहे हैं। सुनिए,
इसे क्या हो गया जी? ये बच्चों की तरह क्यों कर रही है? इसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। सुनिए, मैं उसके बारे में ही सोच रही हूँ। उसे जरूर कुछ हो गया है। हमेशा बॉक्स को लेकर कुछ ना कुछ बातें करती रहती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल रात को रूम में जब अकेली थी, उसकी हरकतें देखकर मुझे भी शक हुआ था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुनिए, मुझे लगता है कि श्वेता को हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसका कोई फायदा नहीं, आत्मा घुस चुकी है उसके शरीर में, प्रेत आत्मा। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? पूर्ण चांद के दिन आत्माओं के चक्कर में श्वेता आधी रात को शमशान के रास्ते से गुजरी थी, इसीलिए उस खतरनाक दुष्ट शक्ति ने उसे पकड़ लिया। और वो दुष्ट शक्ति तुम्हारे इस घर में उस कन्या के भीतर प्रवेश करके आई है। नहीं, ये सत्य नहीं है, वो खतरनाक दुष्ट शक्ति है। यदि उसे वश में नहीं किया गया तो वो दुष्ट शक्ति इस घर को बर्बाद कर देगी। किसी भी तरह से उसे इस घर से निकालना होगा। बहुत बकवास कर चुके, निकलो तुम यहाँ से। वो सर्वनाश कर देगी, तुम्हारे पूरे परिवार को वो मिट्टी में मिला देगी। निकलो यहाँ से। आज तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे, जब तुम्हारा विनाश होने लगेगा तब तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे पास आओगे। अरे ये क्या है, इसे क्यों साथ लेकर सो रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्वाति ने इसी बॉक्स के बारे में बताया था, देखता हूं इसमें क्या है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत विचित्र है। ये तो बाल है, इसे क्यों रखा हुआ है? ओह, मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है। डॉक्टर, क्या हुआ इसे? चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बुखार है। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूं, ये कल तक ठीक हो जाएंगी। वाओ, नाइस बॉक्स। सुनो, ये बॉक्स बहुत खास है, इसका डिजाइन भी बहुत सुंदर है। मेरा अनुभव कहता है कि यह बॉक्स तकरीबन 100 साल पुराना है, क्योंकि जिस तरह का डिजाइन इसमें बना है वैसे अब नहीं बनते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे डिजाइन बनाने वाले शायद रहे ही नहीं। और सबसे खास बात यह है कि कई साल पहले अघोरियों ने इस बॉक्स को डिजाइन किया था, क्योंकि उस वक्त इस तरह के डिजाइन सिर्फ अघोरी ही बनाते और इस्तेमाल किया करते थे। यहां ध्यान से देखो कुछ लिखा है, आओ देखते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये आत्मा की पेटी है। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि इस बॉक्स में किसी आत्मा को बंद करके रखा गया था। आत्मा अघोरी
ये सब क्या है प्रोफेसर साहब? कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग के लोगों ने पुरानी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए खोज की। फिर उन्हें विशेष मिट्टी से एक पिरामिड मिला। खास बात यह है कि उस पिरामिड में जो है और इस बॉक्स में जो है, इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। उस पिरामिड के बारे में रिसर्च करने से इस बॉक्स के बारे में बहुत से रहस्यों का पता चला। बॉक्स और पिरामिड की रिसर्च के बाद जब ग्रंथों का अध्ययन किया गया तो वहां पर भी इसके बारे में जानकारी मिली। खास बात यह है कि उस पिरामिड से और ग्रंथ के अध्ययन द्वारा इस आत्मा को बॉक्स में बंद करके बहुत ही विशेष काम के लिए रखा गया था। इस बॉक्स का उस आत्मा से क्या संबंध है प्रोफेसर? उस जमाने में तंत्र मंत्र वशीकरण सम्मोहिनी ऐसी ही कुछ विद्याओं का लोगों पर इस्तेमाल करके उन्हें सम्मोहित किया करते थे। हमारे प्राचीन काल में शास्त्रों से वेदों से तंत्र मंत्र से बहुत विशेष काम किए जाते थे। इससे कठिन काम भी सरलता से कर लेते थे और वह आत्माएं किसी के शरीर में भी प्रवेश कर जाती थीं। उसका दुरुपयोग करके अपने स्वार्थ के लिए उसे कष्ट देती हैं, उसका जीना हराम कर देती हैं। आत्मा का वशीकरण करके दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके पापी लोग इस दुनिया को अपने वश में कर लेना चाहते हैं और उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इन सब पे भरोसा करते हैं क्या प्रोफेसर? सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुनिया में कुछ बातों पर यकीन करना पड़ता है। अघोरी लोग दुष्ट आत्माओं को इस बॉक्स में बंद कर देते थे। मैंने आपसे क्या कहा था? इस बॉक्स में लिखा है कि यह आत्माओं का बॉक्स है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बॉक्स में आत्मा या कोई दुष्ट शक्ति बंद रही होगी। इसमें कोई शक नहीं है। सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस बॉक्स। यहां देखो क्या लिखा है। यहां पर है और इसके बाद यहां इसे छूना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। सो नेवर ट्राई टू ओपन दिस बॉक्स। आत्मा को इस बॉक्स में बंद कर दिया गया है और अगर इस बॉक्स को कोई खोले तो वो आत्मा उसके अंदर घुस जाती है, उसे परेशान करती है, फिर उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। कोई उसे टाल नहीं सकता। भूत की शक्ति मनुष्य के अंदर प्रवेश करके शैतान बन जाती है और उस पर अपना अधिकार जमा लेती है। तकलीफें दूर हो जाएंगी। और भी खा लो। Oh.
श्वेता, 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 स्वाति. स्वाति, स्वाति, सुनिए. क्या हुआ स्वाति? सुनिए, हमारी श्वेता. श्वेता को क्या हो गया? हमारी श्वेता ना, श्वेता नहीं है. तुम क्या बोल रही हो स्वाति? हाँ जी, उसकी आंखें, उसका चेहरा सब बदल गया है. उस तांत्रिक ने सही कहा था, हमारी श्वेता कोई दूसरी ही है जी, कोई दूसरी ही है. आप कुछ कीजिए, हमारी श्वेता को बचा लीजिए. श्वेता को कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो. श्वेता, श्वेता, स्वाति, स्वाति, ये आत्मा के कब्जे में, इसके अंदर आत्मा प्रवेश कर गई है. हाँ, आत्मा, कोई बहुत बुरी आत्मा इसके अंदर घुस गई है. सबसे पहले इसके शरीर से उसे निकालना होगा, पर यह काम कोई साधारण आदमी से नहीं हो सकता है. यह सब काम तांत्रिकों का है. कई सालों की कठिन तपस्या, ध्यान, पूजा से, भगवान की कृपा से सिद्धि प्राप्त करने वाले ही इस तरह की आत्माओं पर काबू पा सकते हैं. लेकिन वो कहां मिलेंगे प्रोफेसर? शिवपुरा. यहां से 800 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है. वहां के मठ के स्वामी बहुत ज्ञानी हैं. उन्हीं के पास इस आत्मा को निकालने का सामर्थ्य है. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. गुरुजी, हम्म,
गुरुजी। अथ संन्यास सूक्तम् न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमा। यहीं रुक जाओ। परेण न कन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाः। गुरुजी इस बॉक्स को देखना चाहते हैं। गुरुजी पूछ रहे हैं ये बॉक्स तुम्हें कहाँ मिला? एक पुराने बंगले में। इस बॉक्स को आपने खोला तो नहीं था? मैंने नहीं खोला। हाँ पर मेरी मेरी साली ने खोला था। घोर अलर्ट, घोर अलर्ट। वो अभी छोटी है गुरुजी, उसे पता नहीं था इसलिए गलती से खोल दिया। आप लोग कुछ भी कीजिए पर उसे बचा लीजिए गुरुजी। ये आत्माएं इसी इंतजार में रहती हैं कि कैसे भी उन्हें कोई पवित्र शरीर मिल जाए और वो उसमें प्रवेश कर जाए। उसके बाद वो आसानी से शरीर नहीं छोड़ती है। एक बार अगर उसे कोई शरीर मिल गया तो फिर उसे छोड़ के नहीं जाती। उसे जिस शरीर में प्रवेश करना होता है वो उसे आवाज देती है। बहुत ही प्यार से उसे पुकारती है। श्वेता। उसके बाद सबसे दूर करने की कोशिश करती है। उसके बाद नाटक शुरू करेगी। उसके शरीर में प्रवेश करके उसे बदल देती है। वो जिस शरीर में प्रवेश कर जाती है उसमें बदलाव दिखाई देने लगता है। उसके बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा तक अपवित्र हो जाती है। उसे शरीर से बाहर निकालने का केवल एक ही साधन है, केवल एक ही रास्ता है और वो है शरीर। मेरी साली की जान खतरे में है, उसे बचाने के लिए क्या करना उसे होगा? उसे बचाने का केवल एक ही मार्ग है, उस आत्मा को उस बॉक्स में वापस डालना होगा। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। मैं नहीं जानता कि वो कैसे ठीक होगी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कृपा करके आप ही हमारी मदद कीजिए गुरुजी। इस काम में बहुत खतरा है। जो भी इस बॉक्स में हाथ डालेगा उसके शरीर में उस आत्मा के घुसने का डर होगा। ऐसा मत कहिए, कृपया मेरी कुछ तो मदद कीजिए। मेरी साली बहुत कमजोर हो गई है, उसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बीमार हो। उसके शरीर पे आत्मा ने कब्जा कर लिया है। कुछ भी करके मेरी साली को बचा लीजिए गुरुजी। ये काम हमसे तो नहीं हो सकता, अब तो भगवान की जो इच्छा हो वही होगा। भगवान की इच्छा? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर ये आपके माँ और बहन के साथ होता तो भी क्या आप भगवान की इच्छा बोल के छोड़ देते? साधु संतों को हमारे जैसे साधारण लोग भगवान समझते हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कोई कितनी भी तकलीफ में आपसे मदद मांगे आप मदद नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं उसकी जान खुद बचाऊंगा। आपकी हंसी का क्या कारण है? शरीर में काली माँ का भभूत और गले में रुद्राक्ष पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है। सुबह शाम जप तप तंत्र मंत्र करने से और भगवान का नाम लेने से कोई भी सच्चा साधु नहीं कहलाता। तो फिर सच्चा साधु कौन है? केवल अपने बारे में ना सोचकर जन कल्याण के लिए इंसान की मदद करता है वही सच्चा साधु है। कोई कष्ट में है, परेशानी में है तो उसके आंसू पोंछ के उसकी मदद जो करता है वही सच्चा साधु है। बहुत सारे साधुओं ने गेरुआ वस्त्र पहनकर इस काम को पैसा कमाने का साधन बना लिया है। इस संसार में जो सारी कुरीतियों से परे है वही सच्चा साधु है। उस लड़की को उस आत्मा से मुक्त करा दीजिए, आत्मा से उस बेचारी लड़की को बचा लीजिए। युगों युगों से इस पवित्र भूमि में ये हिंदू धर्म के आदर्श और महत्व क्या है ये हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए।
और उसके बाद ही हम इन साधुओं के वस्त्रों को धारण करने योग्य बन पाएंगे। उस लड़की को बचाना है या नहीं ये हम आप पर छोड़ते हैं, किंतु लोगों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ। उस काम को करने के बाद मैं जीवित रहूंगा या नहीं ये नहीं जानता, और अगर मेरी जान चली भी जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप लोग भी अपने धर्म का पालन करेंगे मैं ऐसी आशा करता हूँ। मैं आपके साथ आ सकता हूं? क्या सोच रहे हैं आप? सोचने से कुछ नहीं होगा। गुरुजी, आपने ये बॉक्स खोल दिया। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब पहली बार ये बॉक्स खुला था उसी समय वो आत्मा बाहर आ गई थी। इस समय तो ये बॉक्स एकदम खाली है। इस वक्त वो आत्मा उस लड़की के शरीर में है, ये तो तुम जानते ही हो। गाड़ी रोको। दुनियादारी की मोह माया में क्यों फंसे हुए हो? गुरुजी, लालच बहुत बुरी बला है। तन ढकने के लिए कपड़ा और पेट भरने के लिए भोजन मिल जाए यही काफी है। धन दौलत की लालच के कारण ही ये पागल है। में सारी गड़बड़ हो रही है। पागल को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सब विनाश की ओर ले जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो इस दुनिया में सब पागल है। उनका हुलिया देखकर उन्हें पागल कहकर तुम उनकी बेइज्जती मत करो। वो महाज्ञानी हैं, उन्हें भगवान की शक्ति प्राप्त है और हमें उनकी आवश्यकता है। बुद्धिमान कौन है पूछो, बुद्धिमान कौन है पूछो। मैंने तुमसे उसी दिन ये कहा था कि वो एक बुरी आत्मा है। तुम मेरे पास जरूर आओगे, तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम आ ही गए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें इस बुरी आत्मा को बक्सा में बंद करना होगा। वो आत्मा हमारी दुनिया में आकर रहने का प्रयत्न कर रही है। हम उसे अपनी दुनिया में नहीं आने देंगे। हवा, पानी, आग, आकाश, भूमि, इन पंच तत्वों से मानव शरीर का निर्माण होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण सात द्वीप, सात पानी और सात जन्मों की विशेषता के कारण वो बुरी आत्मा इस शरीर में प्रवेश करना चाहती है, और वो प्रवेश कर चुकी है। इस जन्म में वो अगर शैतान है और पिछले जन्म में वो लड़की रही होगी, तो ये आत्मा सात जन्म तक उस शरीर में रहने के लिए कोई ना कोई पवित्र शरीर ढूंढती रहेगी। उसी तरह ये आत्मा भी इस लड़की के शरीर को ढूंढकर इसके शरीर में प्रवेश कर गई है। इस कन्या के शरीर को यहाँ लाओ, उस दुष्ट आत्मा को यहाँ लिटा दो। इसके शरीर से वस्त्र हटा दो।
इसके माथे पर ओम लिखना पड़ेगा। ये लड़की इस अनुष्ठान की जगह से बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर ये बाहर चली गई तो खतरा है। इस शैतान आत्मा को वापस उसी जगह पर लेटाओ। आजा, 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 आजा
उस दुष्ट शक्ति से उस लड़की को बचा लिया गया। अपनी तंत्र शक्तियों से उस बुरी शक्ति को उस बॉक्स में बंद कर दिया गया। यदि वो दुष्ट आत्मा इस दुनिया में रह जाती तो बहुत बड़ा प्रलय आ जाता और बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। संसार को इस प्रलय से बचाने के लिए ऋषि मुनि साधु संत सदियों से तपस्या कर रहे हैं। संसार को बुरी शक्तियों से दूर रखने का सिर्फ यही एक उपाय है। तड़पो ना